आपने अक्सर सुना होगा कि अगर विप्रो में 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो ये होता, अमेजोन में अगर इन्वेस्ट किया हो तो ये होता, और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट में कर दिया होता तो आइलैंड खरीद लेते जिसने 15 साल पहले इन्वेस्ट किया होता। पर कभी क्या आपने सोचा है या क्या आपको लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने शायद इस पे इन्वेस्ट नहीं किया होगा? वहीं हर डिकेड में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो शायद 300-400 गुना रिटर्न तो नहीं देते हैं बट कंसिस्टेंट वे में कंपाउंडिंग देते हैं और सेफली सबके लिए रिटर्न बनाते हैं। ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने रिटेल जगत में काफ़ी लोगों को मिलियनर्स बनाया, और आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड वाइड से कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने सेफ्टी के साथ साथ लोगों के पैसे बनाए, चाहे 5 साल पहले डालो, 15 साल पहले डालो या 25 साल या आगे भी डालोगे। इसके साथ मैं आपको आज समराइज करके दूंगा कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए इस तरह की कंपनीज को परचेज करने के लिए। यदि आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो फ्री में मैं आपको एप्पल के स्टॉक्स भी दूंगा। तो चलिए पूरी भाजी खा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे चलने से पहले जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि जब हम सबको पता है कि 6 से 7 क्वालिटी स्टॉक्स को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें तो वेल्थ आराम से बन सकती है, तो फिर क्यों हम सब 40-50 स्टॉक्स दिन प्रतिदिन चेस करते हैं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं जानने के लिए बिल्कुल इच्छुक हूं। दोस्तों, जो पहला स्टॉक है जिसने केवल ना ही प्रमोटर या एक दो लोगों को ही नहीं, लाखों लोगों को, लाखों रिटेल लोगों को बहुत सारा पैसा बना के दिया, वह रिलायंस। यमन के एक पेट्रोल पंप में काम करते हुए धीरूभाई साहब ने एक जायंट एस्टैब्लिश कर लिया रिलायंस के नाम पे। 1977 में इसने लिस्टिंग करी, और क्या कभी आपने सोचा है क्यों आपके ग्रैंड पेरेंट्स, क्यों आपके फादर मदर हमेशा कहते हैं, जिनने थोड़ा भी कमर्शियल साइड देखा है, कि अगर इन्वेस्ट करना है तो आंख बंद कर रिलायंस में इन्वेस्ट कर दो? वेल, वो इसलिए, बिकॉज रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जिसने हर टाइम इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया, चाहे धीरूभाई सर के टाइम पे हो या मुकेश भाई के टाइम पे हो। और इसके लिए 3 मेन रीजंस है। पहला, विजनरी लीडरशिप, जिससे पता चलता है कि कब कहां से पिवट करना है। लाइक रिलायंस पहले चालू हुई थी टेक्सटाइल से, फिर स्पाइसेस पे आई, फिर पेट्रोकेमिकल्स, उसके बाद डिजिटल, और नाउ इट्स मूविंग टूवर्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यही नहीं, उन्होंने 2002 में ही अफोर्डेबल टेलीकॉम का सपना सेट कर लिया था और फ्री इनकमिंग कॉल्स कर दी थी। नेक्स्ट रीजन है ट्रस्ट। लोगों का बेसिकली शेयर होल्डर्स का लास्ट 30 साल से अटूट भरोसा है इस ब्रांड पे, इसलिए सबका सब किसी भी लेवल पे यहां पर SIP करने को तैयार रहते हैं। एंड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ धीरूभाई सर, मल्टीपल एलिगेशंस लगे उन पे, स्टिल उन्होंने सरवाइव किया। फिर अभी हाल फिलहाल में रिलायंस पे इतना डेट था बट मुकेश जी ने लॉकडाउन के समय पे पूरा क्लियर किया, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट करता है। आप भी अगर एक विजनरी होने का एग्जांपल सेट करना चाहते हो तो अभिषेक करके वीडियो को लाइक कर दो, सारे विजनरी यही करते हैं। एनीवेज, तो ये एक था जिसने एक दो नहीं काफी सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स बनाए। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया। 1866 में एस्टैब्लिश हुई ये कंपनी, और भारत के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद करीब 1961 में मोगरा पंजाब के समय में वहां पर उनने पहली फैक्ट्री सेटअप करी। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनको सपोर्ट मिलने लग गया था, इनके पूरे स्ट्रक्चर को इनने बिल्डअप किया, गवर्नमेंट ने कहा, जिसके कारण इनने पूरी इर्द गिर्द एक मिल्क इकोनॉमी बना ली। नेस्ले इंडिया वहीं पर अपना पूरा स्ट्रक्चर तो बिल्ड करता ही रहा, प्लस स्टॉक मार्केट में जब इसकी लिस्टिंग हो गई तब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सैलरीड लोगों ने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया, ये सोचकर, बिकॉज गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट है। और उसके 3 और रीजन है, मेन रीजन तो है गवर्नमेंट का सपोर्ट, दूसरा लोगों का भरोसा ऑन द प्रोडक्ट्स, और तीसरा है नेस्ले इंडिया ने इंडिया के जरूरत के समय पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी। नेस्ले एक ऐसा शेयर था जो लोगों को लिस्टिंग डे से, IPO के टाइम से लोगों ने होल्ड करके रखा और उन्हें सेल नहीं किया, और बहुत तगड़ा पैसा कमाया। लोग आज भी बहुत सारा ज्ञान देते कि इसका पी कितना है, पी ही मिलेगा ही नहीं। तो मित्र, मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस के जो अपनी प्लेलिस्ट है, सीरीज है, मैंने तो उसमें ऑलरेडी इसकी बात करी, बट स्टिल मैं रिपीट कर देता हूं, क्वालिटी हमेशा एक हाई प्रीमियम पे मिलता है, और FMCG स्टॉक्स मोस्टली कैश रिच होते हैं, इसलिए उनका PE वैल्यूएशन ज़्यादा होता है। इसलिए लोग 20 साल से वेट करते रह गए कि कब नेस्ले ट्रिपल डिजिट में आएगा या डबल डिजिट में, तब बाय करेंगे, और वो कभी होगा नहीं, शायद स्प्लिट हो जाए तब होगा। वहीं पे सेंसिबल लोग हर ड्रिप पे SIP के थ्रू बाय करते या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू बाय करते। नेक्स्ट स्टॉक जिसने आम जनता को मालामाल बनाया है इंटरनेशनली, वो है एप्पल का स्टॉक। 150 टाइम्स से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 1980 में जब इसका IPO आया तो ये सेकंड बिगेस्ट IPO हो गया था फोर्ड के IPO के बाद। 1956 जो आया था, पूरा कैपिटल मार्केट हिल गया था। एप्पल के स्टॉक में स्लगिशनेस मेनली तब आई थी जब स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था, बट एवर सिंस वो वापस आए और उन्होंने लीडरशिप लिया, और इनफैक्ट उनके बाद भी टिम कुक जी भी जब लीडर बने तो एप्पल गॉट नो चिल्स। एप्पल पूरी तरीके से एक फर्स्ट क्वालिटी हाई फाई प्रोडक्ट्स बनाने लग गया, और सारे इंस्टीट्यूशंस FIIs ने यहां पर इन्वेस्ट किया, इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक, जिस पे हमने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। अब एज एन इंडियंस, आप में से
काफी सारे लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज तो करते हैं, एप्पल करते हैं, नेटफ्लिक्स करते हैं, अमेजोन करते हैं, बट आप लोग सोचते हो डे टू डे हम करते हैं बट इनकी ग्रोथ का कैसे पार्ट बन सकते हैं? जस्ट इमेजिन अगर इनके स्टॉक्स को भी आप इन्वेस्ट कर सके तो वो हम कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इनटू यूएस स्टॉक्स एंड साथ में हम रूपी डेप्रिसिएशन का भी फायदा उठा सकते हैं इफ वी इन्वेस्ट थ्रू आईएनडी मनी का ऐप। यहां जीरो अकाउंट ओपनिंग है, मेंटेनेंस फी भी जीरो है, जीरो ब्रोकरेज है, नो फीस ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूएस स्टॉक्स एंड बेस्ट एक्सचेंज रेट्स है। आप एक छोटे से अमाउंट से भी यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। इमेजिन अगर एप्पल या फिर यूएस बेस्ड कोई भी ETF के शेयर्स आपके पास हो वो भी एज लो एज 10,000 से 20,000 के इन्वेस्टमेंट में तो कैसा रहेगा। एंड बिकॉज फेस्टिव टाइम है तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। आप सभी को मैं आईएनडी मनी के साथ मिलके एप्पल के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए और आपको मिलेंगे फ्री शेयर्स ऑफ एप्पल। अगर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आईएनडी मनी इंस्टॉल करते हैं तो बस यूज कीजिए कोड AKApple ड्यूरिंग साइन अप और आपको एप्पल के शेयर्स फ्री में मिलेंगे। शेयर कीजिए लिंक को विथ योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स ताकि उनको भी फ्री गिफ्ट मिले। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं फोर स्टॉक जिसने काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा पैसा बनाया और रईस बनाया एंड वो है बर्कशायर हैथवे। वैसे तो इसके शेयर्स काफी सस्ते हैं, लाइक 7 करोड़ रुपए में एक शेयर आ जाता है और सोशल मीडिया के सभी ट्रेडर्स इसको बाय कर सकते हैं बिकॉज वो तो इतने प्रॉफिट ऑलमोस्ट हर हफ्ते बनाते हैं, हर दिन बनाते हैं। सो बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट सर की होल्डिंग कंपनी है। वो पहले एक टेक्सटाइल कंपनी थी, एक स्टॉक होल्डिंग कंपनी बाद में बनी। ये एक ऐसा शेयर है जिसमें स्टार्टिंग में जिन लोगों ने भी वॉरेन बफेट सर पे बिलीव करके 1,000 रुपए भी डाला वो करोड़पति बन गए। एक चीज नोटिस कीजिए कि जब भी स्टॉक्स अच्छे होते हैं उनके अपसाइड लिमिट नहीं होती, वो बढ़ते जाते। सो जहां आम इंसान सोचता है कि और ये कितना ही बढ़ेगा, वहां पर ये अगर 15-18% के बेसिस पे भी कंपाउंड करते हैं इन लॉन्ग रन तो काफी ज्यादा पैसा बना देते हैं। तीन रीजन है बर्कशायर हैथवे के स्टेलर रिटर्न्स देने के लिए। पहला तो है इसके प्रमोटर काफी स्ट्रांग है, दैट इज वॉरेन बफेट। दूसरा है पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बेसिस के सिद्धांत पे चलता है। एसेंशियली हर कोई क्वालिटी देखता है, प्लस मेन चीज है डाइवर्सिफिकेशन। इसकी जो होल्डिंग कंपनी उसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। बर्कशायर हैथवे के पास गीको है जिसने इंश्योरेंस कंपनी में महारत हासिल करी है, एप्पल है जिसने टेक्नोलॉजी में करी है, क्राफ्ट्स है जिसने FMCG और ऐसे बहुत ही तगड़े तरीके के स्टॉक्स है। तो ये तीन रीजंस है। नेक्स्ट स्टॉक जिसने काफी ज्यादा तगड़ा रिटर्न दिया है आम जनता को वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स या डीमार्ट। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे भैया बजाज फाइनेंस क्यों नहीं आया लिस्ट में, या फिर वो विप्रो में तो 10,000 डाला 700 करोड़ हो गया, व्हाई डिडंट दैट कम। तो वो इसलिए मेरे दोस्त बिकॉज हमारी आज की इस वीडियो में हम कहानियों के बेसिस पे नहीं, हम उन रिवॉर्डिंग स्टॉक्स की बात करें जिसमें रिटेल ने सही में पैसा बनाया है और हमारे पास मास एग्जाम्पल्स हैं कि वहां पर पैसा डाल के बनाया। हिंड साइट में तो हम कोई से भी स्टॉक बोल दे इसमें डाला उसमें डाला, इसलिए डीमार्ट आता है। राइट फ्रॉम IPO के पहले से जिसने पैसा लगाया, जिसको IPO मिल गया उसने भी पैसा बनाया, IPO के बाद भी लगाया तो 7x का रिटर्न तो कहीं नहीं जा रहा है। और इसकी खासियत यह है कि इसकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है, ऑल थैंक्स टू राधा किशन दम्मानी जी जो मासेस को केटर करके कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपने ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि रिटेल आउटलेट्स ये डेट के बेसिस पे या फ्रेंचाइजी मॉडल पे नहीं बनाती है। डीमार्ट की एक यूनिट जब प्रॉफिटेबल होती है उसी के बाद ये नेक्स्ट यूनिट्स बनाते हैं जिसके कारण काफी इंटरेस्ट बना रहता है और राधा किशन दम्मानी जी इसी कारण बड़े बिलियनर बन गए। सो ये थे वो 5 स्टॉक जिन्होंने आम जनता को भी काफी ज्यादा पैसे बना के दिए। और अब हम समझेंगे कि इसी तरह के अगर हमको स्टॉक्स आने वाले 20-25 साल के लिए पिकअप करना है तो वो 4 कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला फैक्टर है प्रमोटर या फाउंडर। इन 5 केसेस में एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर या ओनर होना जरूरी था, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज, विजनरी थिंकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ने ही सबसे ज्यादा इनको हेल्प किया है ग्रो करने में। नेक्स्ट जो चीज है वो है इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी, चाहे एप्पल हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे डीमार्ट हो, किसी की भी बात करें तो क्वालिटी पे किसी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इनफैक्ट काफी सारे इंसिडेंट्स आए हैं जब क्वालिटी चेक्स में कुछ भी ऊपर नीचे मिला तो इन लोगों ने पूरा प्रोडक्ट मार्केट से उठा लिया टू मेक श्योर कि इनकी प्रोडक्ट्स हमेशा सुपीरियर वाले ही सप्लाई में रहे। नेक्स्ट है होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड अंडरस्टैंडिंग दैट क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। आज भी आप देखते हो तो जितने पुराने कुछ एक्टर्स हैं वो 30-50 करोड़ पर मूवी चार्ज करते हैं, स्टिल उनकी मूवी से प्रोड्यूसर्स बहुत सारा पैसा कमा के जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे, इट्स बिकॉज ऑफ वैल्यू एंड क्वालिटी। लाइकवाइज शेयर मार्केट में भी आपको ध्यान रखना होगा कि क्वालिटी आपको सस्ती नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, इसलिए स्टार्ट डूइंग SIPs एज अर्ली एज पॉसिबल। फाइनली यूज द वाइन कंसेप्ट। मैंने बहुत बार सुना, आपने भी सुना होगा कि वाइन जितनी पुरानी होती टेस्टी हो जाती है। उसी तरीके से जिन कंपनीज का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, मल्टीपल साइकिल से गुजर चुके हैं और उनके प्रमोटर्स ने सब देखा है, वो अच्छे बेट्स होते हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला है। इफ यस, मेक श्योर इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए। एंड हाँ, आईएनडी मनी ऐप की एक और इंटरेस्टिंग बात तो मैं बताना ही भूल गया। इमेजिन अगर आपके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स बन जाए तो कैसा रहेगा? इट इज पॉसिबल, क्योंकि आईएनडी मनी आपको क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पर भी फ्री यूएस स्टॉक्स देता है। मतलब स्टारबक्स के कॉफी पीने के बाद या फिर अमेजोन में शॉपिंग करने के बाद आपको इनके स्टॉक्स मिल सकते हैं। सो चेक दिस अमेजिंग ऐप विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड फ्री कैप परचेस तो मैं बता चुका हूँ। आईएनडी मनी को ओवर 2 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं, तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए और डाउनलोड जरूर कीजिएगा। एंड टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।